निगम भिलाई क्षेत्र के सभी गौठानों में इस वर्ष फूलों की पंखुड़ियों से बहुतायत मात्रा में गुलाल का निर्माण किया गया, जो लोगों को काफी पसंद भी आया। इसी कड़ी में अब गौठानों में इन्हीं फूलों की पंखुड़ियों से साबुन बनाने की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से गौठानों का निर्माण हुआ है और इन्हें महिला स्व सहायता समूह की बहनें संचालित कर रही हैं, तब से प्रदेश भर में महिलाएं काफी सशक्त बन रही हैं। इन गौठानों में गोबर के दिए के साथ साथ खुशबूदार अगरबत्ती भी बनाई जाती है। बाकायदा इसके लिए मशीन भी लगाई गई है और इन मशीनों से अगरबत्तियां बनकर निकलती हैं। फिर इसे ठीक से सुखाकर गट्ठे बना लिए जाते हैं और फिर इन्हें खूबसूरत पैकिंग करके विक्रय के लिए तैयार कर दिया जाता है। बीते होली के त्योहार में फूलों से बने गुलाल की काफी मांग रही, यही कारण है कि इन गुलालों की मांग अगले होली के लिए भी अभी से महिला स्व सहायता समूह के पास आ चुकी है। अब गौठान संचालन करने वाली महिलाएं इन्हीं फूलों से साबुन बनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए फूलों को काटकर अच्छी तरह से सुखाया जा रहा है और उसके बाद इसे पीसकर पाउडर बनाया जाएगा और फिर साबुन तैयार किया जाएगा। फूलों से साबुन निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग भी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को दी जा चुकी है और अब बहुत जल्द निगम भिलाई क्षेत्र में पूर्णतः प्राकृतिक साबुन उपलब्ध हो पाएगा। इसकी जानकारी महिला स्व सहायता समूह की एक सदस्य ने मीडिया को दी। अभी तो पहले अगरबत्ती मशीन का कार्य चल रहा है, उसके बाद गुलाल का होली में गुलाल बनाने का कार्य किए थे और मछली पालन का भी कार्य चल रहा है। तालाब पूरा कंप्लीट हो गया, चालू करें। हाँ सर, 4 तारीख को ट्रेनिंग देंगे, उसमें चालू होगा साबुन बनाने का काम। फूल जो मंदिर से फूल आता है उसको सुखा के कटिंग करके उससे कार्य किया जा रहा है। मिक्सी में पीस के भी कुछ काम किया जा रहा है। उसमें गुलाब है, गेंदा है, सेवंती है और कमल का फूल भी है, सब यूज कर रहे हैं। तो जो अभी आपने बताया कि होली में गुलाल बनाए, हाँ, कैसा रहा बनाने का एक्सपीरियंस और सेल हो गया पूरा? हाँ सर, पूरा सेल है, 100% इसमें है। तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ा आप लोगों का। हाँ, तो अगले होली में क्या क्या लगता है कि 100 किलो से ज्यादा? अभी से ऑर्डर आ गया है। अच्छा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, जन कल्याणकारी गोधन न्याय योजना से जितना फायदा पशुपालकों को हुआ है उतना ही प्रदेश की महिलाओं को भी हुआ है। जब से महिलाओं ने गौठान का संचालन शुरू किया है तब से उन्होंने अपनी आमदनी भी बढ़ाई है और आज अपने परिवार में आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।